हेलो एवरीवन, हम सबको घर में आइसक्रीम बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी आइसक्रीम क्रीमी कम और आइसी ज़्यादा बन जाती है। रेसिपी में प्रॉब्लम है ऐसा नहीं, कहीं कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है और आइसक्रीम आइसी बन जाती है। मैं आज आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आपको बताऊँगी बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट के साथ बिना किसी केमिकल के कौन सी छोटी छोटी सी मिस्टेक है जिसे हमें अवॉइड करना है ताकि हम बेस्ट चॉकलेट आइसक्रीम बना सकें। हमने सिर्फ आधा लीटर दूध लिया है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है। इसे हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। इस पैन में जो हमने दूध लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप चीनी और फिलहाल मैं इसे किनारे रख दे रही हूँ। और इस पतीले में करीब करीब 250 मिलीलीटर दूध है। इसमें हम मिला रहे हैं मिल्क पाउडर 1/4 कप, कोकोआ पाउडर 4 टेबलस्पून और कॉर्न फ्लोर 2 टेबलस्पून, और इसे हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे। और मिलाने के बाद इसे हम ढककर किनारे रख देते हैं। इसका क्या करना है मैं वो आपको आगे बताऊंगी। और पैन में जो हमने दूध लिया था इसे अब हम गैस पर चढ़ा देते हैं और गैस पर इसे हम थोड़ा गाढ़ा करेंगे, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि इसे हम कॉन्स्टेंटली चलाते रहेंगे। इस दूध में शक्कर डला हुआ है और ये दूध बहुत जल्दी ही नीचे चिपक सकता है, इसलिए इसे हमें हर एक मिनट दो मिनट पर चलाते रहना है और कॉन्स्टेंटली यहाँ खड़े रहना है। तो करीब करीब 6 से 7 मिनट में ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, जैसे कंडेंस्ड मिल्क की कंसिस्टेंसी होती है ना, करीब करीब ये वैसा हो जाएगा। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और हमने जो पतीले में दूध के साथ सारे पाउडर मिला के मिक्सचर बना के रखा था उसे अब हम इस पे ऐड करेंगे, लेकिन इसे हम एक छन्नी पर छानते हुए ऐड करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे और अगर कुछ हो भी थोड़े से दाने तो छन्नी पर अटक जाएँ। और इसके बाद हम गैस का फ्लेम दोबारा चालू करेंगे और इसे हम फिर कॉन्स्टेंटली स्टर करते हुए थोड़ी देर कुक करेंगे। तो बिल्कुल 2 से 3 मिनट में ही आप देखेंगे कि ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ठीक हो चुकी है। आपको देखकर भी यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही आपको गाढ़ा बनाना है। और इस समय पर एक बार इसे हम थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेंगे कि शक्कर और ये सब बराबर है या नहीं। और अब इस चॉकलेट आइसक्रीम को थोड़ा और चॉकलेटी बनाते हैं। हम इस पे ऐड कर रहे हैं डेरी मिल्क, उसका करीब मैं 25-30 ग्राम डेरी मिल्क यहाँ ऐड कर दे रही हूँ। ये अभी गर्म है और डेरी मिल्क इसमें एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और इस आइसक्रीम को और बढ़िया चॉकलेटी बना देगी। तो हमारे ये चॉकलेट आइसक्रीम का बेस हो गया तैयार। इसे हम पंखे के नीचे अपने आप ठंडा होने देते हैं। पहले इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब इसे हम एक बोल में खाली कर लेंगे और उस बोल को अब हम फ्रिज में रख देंगे जहाँ हम नॉर्मल सब्जियाँ दूध ये सब रखते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छे से और ठंडा हो जाए, थोड़ा चिल हो जाए। अब हम क्रीम तैयार कर रहे हैं। मैं अमूल का ये व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ 250 ml। आप दूसरा कौन सा क्रीम ले सकते हैं या दूसरा कोई क्रीम लेने से हमें क्या दिक्कत आएगी, ये मैंने बहुत डिटेल में अपने एक और आइसक्रीम के वीडियो में कवर किया था, उसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ। आप क्रीम के बारे में थोड़ी और डिटेल जानना चाहें तो उसे आप देख सकते हैं। और अब एक हमने आइस बाथ बना लिया है, तो इस क्रीम को हम एक ग्लास के बड़े बोल में खाली कर लेते हैं और इस बोल को हम एक आइस बाथ में रख देते हैं और अब इसे हमें फेंटना है। आप चाहें तो आप हैंड विस्कर से भी फेंट सकते हैं, लेकिन हैंड विस्कर से फेंटने में बहुत समय लगेगा, करीब करीब 40-45 मिनट का। मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर से ही फेंट रही हूँ और इसे फेंटने में मुझे करीब करीब 30 मिनट का समय लगा। 15 मिनट बाद ही क्रीम काफ़ी गाढ़ी हो गई थी लेकिन उसमें पीक्स नहीं बन रहे थे, तो इसे हमने करीब करीब 30 मिनट तक फेंटा और उसके बाद ये एकदम हार्ड हो गई है और एकदम इस पर पीक भी फॉर्म हो रहा है। देखिए मैं आपको ये उठाकर दिखा रही हूँ। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो चॉकलेट बेस हमने बनाकर रेफ्रिजरेटर में रखा था उसे भी करीब 2 घंटे हो चुके हैं, उसे हम निकाल लेते हैं। और क्रीम भी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है, तो क्रीम में हम थोड़ा थोड़ा सा उस चॉकलेट बेस को डालेंगे और इसे हम इलेक्ट्रिक बीटर में फिर से चलाएंगे। हमने 250 ml व्हिपिंग क्रीम लिया था और इसे फेंटने के बाद इसका वॉल्यूम जो है ये करीब करीब 600-650 ml हो चुका है। ये करीब करीब 2 गुना 2.5 गुना बढ़ जाता है। और दूध हमने लिया था आधा लीटर, उसमें हमने बाकी चीज़ें मिलाई थी, तो आप पाएंगे कि सिर्फ आधा लीटर दूध और 250 ml क्रीम से हम करीब करीब 1.5-2 लीटर आइसक्रीम बना पाएंगे।
तो इस तरीके से चलाते चलाते ये जो पूरा क्रीम और वो जो चॉकलेट का बेस था, इसे हमने थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए इस पूरे मिक्सचर को एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लिया है और रेडी हो गया हमारा चॉकलेट आइसक्रीम का कंटेंट। अब इसे हमें डीप फ्रीजर में रखना है। डीप फ्रीजर में इसे हम 2 घंटे रहने देंगे और जब ये आइसक्रीम थोड़ी सी हल्की सी जमने लगे उस समय हम इसे निकाल लेंगे। निकाल कर इसे हम दोबारा से एक बार फेंटेंगे, बहुत अच्छे से फेंटेंगे। और फेंट कर इसे हम फिर से डीप फ्रीज़र में रख देंगे और अब इसे हम 6 से 7 घंटे तक डीप फ्रीज़र में रहने देते हैं या ओवरनाइट रहने देते हैं। कमर्शियली भी जो आइसक्रीम बनाई जाती है उसे इसी तरीके से बार बार फेंटा जाता है ताकि इसमें बिल्कुल भी आइस फॉर्मेशन नहीं हो। तो इसे आप जैसे बार बार फेंटेंगे ना तो इस तरीके से बिल्कुल भी क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है और ये देखिए मैं आपको स्कूप करके दिखा रही हूँ, इतनी सॉफ्ट आइसक्रीम है और खाने में भी ये उतनी ही स्वादिष्ट।